मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दो। ये देख सकते हो आप, यहाँ एक खासियत है, एक खास नल आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ से एंट्री करते हैं माता रानी के दरबार में। हाय एवरीवन, कैसे हैं? तो आज हम लेकर चलने वाले हैं माता सैलानी देवी मंदिर के पास। आज हम पूरी फैमिली के साथ जाएंगे तो वहां दर्शन करेंगे। और हाँ, हम वहां का जो नेचर है, जिस नेचर में माता सैलानी देवी का मंदिर है, वहां का नेचर हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है, कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल लगता है वहां पे, कितना अच्छा फील होता है जब आप वहां पे जाते हो, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो सो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, तो चलते हैं माता सैलानी देवी के मंदिर। और हाँ, चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो ठीक है, चलो चलते हैं। कितना बड़ा था? बड़ा। और क्या कह रहा था? हाँ, तो तुम उसको साथ में लेके चले क्यों नहीं? तो हम अभी पहुंच चुके हैं माता सैलानी देवी मंदिर और बिल्कुल पूरी फैमिली के साथ हैं। मेरा छोटा बच्चा सबसे आगे है, तो देख सकते हो, और सबसे बड़ा वाला इधर है, और पीछे मेरी वाइफ और मेरे साले साहब और मेरे दो दो साले साहब और मेरा भाई। तो हम लोग पहुंच चुके हैं माता जी के स्थान पर, लेकिन सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे, एक छोटा सा पॉन्ड है, वहाँ पे चल के पहले हाथ पैर धुलेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग प्रसाद लेंगे और फिर एंट्री करेंगे माता रानी के मंदिर में। तो सो दिख रही है ना, ये छोटा सा स्लीपर निकाल दो, गहरा नहीं है, ज्यादा गहरा नहीं, सब अंदर। और ये पॉन्ड है छोटा सा, इसमें आपको बहुत सारी कलरफुल फिशेस मिल जाएंगी, बहुत सारी फिश है इसमें, ये देख सकते हो। एक छोटा सा ये एरिया है, यहाँ पर हाथ पैर धुलने के बाद में सब लोग वापस आते हैं। इसमें हरदम उसमें से वाटर निकलता रहता है, ये जो छोटा सा पॉन्ड है इसमें से अपने आप हरदम वाटर निकलता रहता है, और पीछे वो एक छोटा सा नाली टाइप का बना हुआ है जिससे वो वाटर जाकर के सीधा गोमती नदी में जाता है यहाँ से पानी। तो हम लोग बारी बारी करके अपने हाथ पैर धुलेंगे, उसके बाद में यहाँ से एंट्री करेंगे। सब लोग अपना स्लीपर यहाँ निकाल दो ऊपर ही, और फिर हाथ पैर धुल लो इसमें फटाफट। क्या देख रहे थे? फिश देखे, कैसे लगी? कैसी लगी? नंबर एक, वाह भाई, बड़ी वाली। चलो आ जा, बड़ी वाली कहाँ है? चलो यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। ये माता जी का जहाँ हवन वगैरह होता है वो जगह है ये, और यहाँ से एंट्री करते हैं माता रानी के दरबार में। और ये कुछ लिखा है यहाँ पर, मंदिर के प्रांगण के आसपास गंदगी ना फैलाएं। हाँ, वाकई में आप लोगों को यहाँ आने के बाद में गंदगी तो नहीं फैलानी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 जोड़े हैं, बिल्कुल नई शादी होके आई है, तो माता जी आशीर्वाद लेने के लिए सब लोग आए हैं। तो चलिए चलते हैं, तो आ जाओ सब लोग।
ये है माता रानी की दिव्य मूर्ति जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पुजारी जी ने यहाँ पे ताला मार दिया। ये है माता रानी। दर्शन कर लिए हैं और प्रांगण में खड़े हुए हैं। अभी यहाँ कुछ पूजा पाठ चल रही है और आई थिंक कुछ देर तक चलेगी। तो हमने दर्शन के लिए दो दरवाजे हैं, आप एक बाईं तरफ से आ सकते हैं, दाईं तरफ से। तो हम लोग बाईं तरफ से ही आए हैं, हम निकलेंगे यहाँ से। सामान की अगर आपको खरीदारी करनी है, जैसे कुछ तो अभी बंद है और कुछ दुकानें हैं जहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है इसीलिए चारों तरफ पॉलीथीन्स लगी हुई हैं। और यहां कुछ दुकानें हैं जहां से आप सामान कुछ खरीद सकते हैं, कोई भी सामान आप यहां से खरीद सकते हैं आसानी से। किस दिन मेला लगता है भाई यहाँ पे? शुक्रवार और सोमवार और पूर्णिमा के दिन। यहाँ शुक्रवार और सोमवार और पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है, क्योंकि आज सोमवार है इसीलिए हम लोग शाम को आए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। तो ये एरिया है यहाँ पर, जैसे कि आप कोई भी मतलब लेडीज़ का कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं, बच्चों के खिलौने वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हो। ये एरिया पूरा भरा हुआ रहता है लगभग, आप देख सकते हो इधर पूरा एरिया भरा रहता है। ये कुछ लेना है अभी इनको कुछ लेना है तो देखते हैं, कुछ खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। देखो चलते हैं इधर, जो है हम जहां पे हम शूट करते थे थोड़ी सी दूरी पर है, वहां हम आपको लेके चल रहे हैं। और यहाँ एक खासियत है, एक खास नल आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये आप देख लो, ये कैसा है नल देख लो, इसका हैंडल किधर है और ये नल कैसा है, आपने कभी ऐसा देखा है? ये बाहुबली के द्वारा तोड़ा गया नल है। देख रहे कितना मस्त पानी दे रहा है। इतना गजब का एरिया है ये, इतना मस्त लग रहा है ये एरिया, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ चारों तरफ देखकर, इतना मतलब मजा आ रहा है मैं बता नहीं सकता हूँ। हम लोग वहां से मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर आ गए हैं और यहाँ पर आकर के हमने देखा कि चारों तरफ बिल्कुल से मस्त सा माहौल है। यहाँ एक जो जहां पे हमने शूटिंग करी थी वो ये एक बरगद है जो ये पीछे दिख रहा है, ये वाला ये बरगद है, यहाँ पर हमने शूटिंग करी थी। और जो मैंने इस गाने की शूटिंग करी थी, इस गाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस गाने को देख सकते हो। बहुत अच्छे से शूट हुआ था। तब ये बहुत सारा ये जंगल जो दिख रहा है चारों तरफ, ये जंगल नहीं था, बहुत अच्छा एरिया था। तो सारे लोग हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं, कुछ तो इधर उधर वीडियो बना रहे हैं और कुछ इस बेहतर नज़ारे का, सुंदर नज़ारे का मजा ले रहे हैं। मैं वहां तक आपको लेके चलता लेकिन बहुत सारा झाड़ है, बहुत जंगल है, इसलिए मैं वहां तक आपको नहीं लेके चल सकता, क्योंकि वो यहाँ पर मतलब जीव, जंगली जीव तो बहुत सारे होते ही हैं। आपको बता दें ये बिल्कुल जंगल का इलाका है। बगल में जस्ट ये जो बरगद का पेड़ है, इसके जस्ट पीछे गोमती रिवर है, वो गोमती रिवर का किनारा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो माता सैलानी देवी में जो पौंड है, उस पौंड का वाटर सीधा इसी गोमती रिवर में जाता है। अगर मेरा ये वीडियो पूरा थोड़ा सा भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।